हाय फ्रेंड, सिद्धार्थ हियर फ्रॉम टेक्नोबज़ डॉट नेट। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिक रेडमी नोट 3 में MIUI 8 फास्ट बूट रोम को फ्लैश किया जाए और कैसे फिर से डेड या ब्रिक रेडमी नोट 3 को ऑपरेट किया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको तीन फाइलें अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी है। एक तो है फास्ट बूट EDL, फास्ट बूट रोम और MI फ्लैश सेटअप, जिससे आप फास्ट बूट रोम को अपने फोन में फ्लैश करेंगे। आप ये तीनों फाइलों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, जहां से आपको ये तीनों फाइलें डाउनलोड करनी है। तीनों फाइलें डाउनलोड करने के बाद अपने विंडोज PC में ड्राइवर सिग्नेचर्स को ऑफ कीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक कमांड रन करनी है, जो कि कमांड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कमांड है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में CMD विंडो जो होती है, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, उसको खोलिए। उसको खोल के इस कमांड को कॉपी कीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे कि ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज। इसको करने के बाद आपको एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद आप इसी फोल्डर में आइए जहां पे आपने ये तीनों फाइलें सेव कर रखी हैं और अपने फोन रेडमी नोट 3 को फास्ट बूट मोड में बूट कीजिए। फोन को फास्ट बूट मोड में बूट करने के लिए आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना है, या फिर जो आपका फोन ऑलरेडी डेड हो रखा है उसको स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर का बटन थोड़ी देर तक प्रेस करके रखें तो आपका फोन फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा और आप अपने स्क्रीन पे MI बनेगी फोटो देख पाएंगे, जिसका मतलब है कि आपका फोन फास्ट बूट मोड में एक्टिव हो चुका है। जैसे ही आपका फोन फास्ट बूट मोड में जाता है, आपको अपना फोन कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए और फास्ट बूट EDL फोल्डर को खोल के EDL CMD फाइल को रन कीजिए, जिससे आपका फोन फास्ट बूट मोड से डाउनलोड मोड में आ जाएगा। आपको एक बार रन करना है और आपका जो फोन पे जो MI बनेगी स्क्रीन थी वो हट जाएगी और टोटली आपकी फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और LED स्क्रीन पे जो आपकी LED लाइट है वो रेड कलर में ब्लिंक करेगी। दैट मीन्स आपका फोन अब डाउनलोड मोड में आ चुका है। अब आपको वापस नोट 3 फोल्डर में जाइए जहाँ आपने फाइलें सेव कर रखी हैं और आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है। हम उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं कर चुके हैं तो हम उसको बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब आपको इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप Xiaomi MI का फॉर्म फोल्डर देख पाएंगे। आप इसको खोलिए, यहाँ आपको बहुत सारी फाइलें दिखेंगी। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर खोलिए और अपने फोन को डिटेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फोन यहाँ पे क्वालकॉम एक्सेस के नाम से शो कर रहा है, पर आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर करना पड़ेगा। ब्राउज माई कंप्यूटर और सी ड्राइव में जो Xiaomi MI का फोल्डर था उसमें आप जाइए। ये देखिए MI फ्लैश सोर्स फाइल, और आप इसमें थर्ड पार्टी में देख पाएंगे क्वालकॉम के ड्राइवर्स। आपको ड्राइवर सेलेक्ट करना है, ओके और नेक्स्ट करके अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लेना है। अब आपको ये MI फ्लैश एक्सिस फाइल जो थी, जो मैं फोल्डर में दिखा देता हूँ आपको, फिर ये रही, इसको खोलिए और आपके सामने फ्लैश टूल का जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये MI फ्लैश का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आपको क्लीन ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लीन ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अब अपने वापस इस नोट फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपने सारी फाइलें सेव कर रखी हैं। इसमें आप फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, इमेजेस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और इसका URL को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और रिफ्रेश का बटन दबाइए। थोड़ी देर में आपका फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट शो करेगा और अब आपको सिर्फ फ्लैश का ऑप्शन रन करना है। फ्लैश स्टार्ट कीजिए, आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, लगभग 5 से 10 मिनट, और आपका फ़ोन जो डेड हो चुका है या जो ब्रिक्ड हो चुका है वापस ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस मेथड को कभी भी अपने फ़ोन को अपडेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही एक मेथड है जिसके द्वारा आप अपने Redmi Note 3 को अपडेट कर सकते हैं विद MI फ्लैश टूल। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए कुछ टाइम तक।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ गया है ग्रीन कलर के बार में। दैट मीन्स आपके फोन जो डेड हो रखा था या फिर जो आप अपने फोन को अपडेट कर रहे थे वो सक्सेसफुली MIUI 8 से अपडेट हो चुका है। अब सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए, USB केबल जो आपने कनेक्ट कर रखी थी PC के साथ उसको डिस्कनेक्ट कीजिए और पावर बटन को थोड़ी देर तक दबाए रखिए, 14 से 15 सेकेंड्स। थोड़ी ही देर में आपका फोन बूट अप हो जाएगा और आपका फोन फिर से चल पड़ेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, और इसी तरह के वीडियो और अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।